हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर, आपका मेंटर, जो भी आप समझे। आज जो मेरा वीडियो है वो है बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स से रिलेटेड। उसमें एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक चैप्टर है जिसमें मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट वन, जिसमें कि मैंने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था आपको। आज की इस वीडियो में मैं आपको एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन उससे पहले जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे मेरे आगे आने वाले वीडियोस के। कमिंग वीक में मैं आपको प्लानिंग के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ। कमिंग वीक में आपको प्लानिंग के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, जो बिजनेस स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज हम बात करते हैं एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, जिसमें कि पहला है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि हम जब भी कोई वर्क परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर वर्क में सेम मेथड अप्लाई नहीं करते, सेम टेक्निक अप्लाई नहीं करते, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो हम उसमें एक पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करते हुए नहीं चले जाते और सारा परफॉर्म करते नहीं चले जाते। हमें हर वर्क में एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, डिफरेंट वर्क मेथड अप्लाई करना पड़ता है उस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो टेलर ने हमें यही सजेस्ट किया है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू कंटिन्यूसली डू द रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन ईच एंड एवरी वर्क टास्क व्हिच इज़ गिवन टू अस। जब हमें हर वर्क और एनालिसिस को हम बहुत अच्छे से रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि हर एक वर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर और हम हर वर्क को एक ही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वी हैव टू कंटिन्यूसली डू द रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो देर इज़ दैट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम एक पर्टिकुलर टेक्निक को हर वर्क में परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज़ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नाउ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स देर शुड बी अ हेल्दी रिलेशन बिटवीन आर मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स को दोनों के बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन होने चाहिए। वो कैसे होंगे? जब मैनेजमेंट अच्छे से उनको समझेगा वर्कर्स को, और वर्कर्स उनके ऑब्जेक्टिव को उतना फुलफिल करने में मैनेजमेंट की हेल्प करेंगे। यहाँ पे एफ डब्ल्यू टेलर सजेस्ट करते हैं कि वॉट एवर गेंस मैनेजमेंट शुड गेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर, दे शुड शेयर दोज गेंस विद द वर्कर्स। जब गेंस वो प्रॉपर शेयर करेंगे वर्कर्स के साथ, तो वर्कर्स को भी उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इज थिंकिंग अबाउट देम, शेयरिंग प्रॉफिट्स विद देम। सो वर्कर्स हैव टू put their 100% effort to give 100% productivity and achieve the objective of the organization. That is harmony, not discord, right? Second is complete. Now third is cooperation and not individualism. Now cooperation and not individualism means कि in the organization management as well as workers जो होते हैं वो दोनों साथ मिल के काम करते हैं। कोई individual काम नहीं करता, कोई individual एक organization को success तक नहीं पहुँचाता। सबका objective है ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पहुंचाना। तो सब मिलके अपने एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके एक दूसरे को, दे गेट द ऑर्गेनाइजेशन टू द सक्सेस। तो हमें यहाँ पे कोऑपरेट करना है। तो कोऑपरेट का मतलब ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट शुड लिसन अबाउट द एडवाइस, सजेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स, और वर्कर्स के जब वो एडवाइस सजेशन सुनती है मैनेजमेंट, तो वर्कर्स को भी उतना ही केयरफुल और अटेंटिव रहना है कि मैनेजमेंट ने जो भी उनको ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने को दिया है, whatever task is given by the management to the workers, they have to complete the work in time with full responsibility. तो जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे तभी जाके ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, दे इग्नोर देम, देन ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। दैट वॉज थर्ड पॉइंट, राइट? कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। नाउ लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। नाउ इन दिस पॉइंट टेलर सजेस्टेड दैट वट एवर रिक्रूटमेंट्स वी आर डूइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं एम्प्लॉयज का, वो हमें साइंटिफिकली करना है, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉयज। हमें उनको रिक्वायर्ड डेजिग्नेशन देनी है। हमें ऐसे नहीं रैंडमली नहीं लेना कि हमने एक एम्प्लॉय को लिया उसको मैनेजर बना के बैठा दिया।
तो हमें ये नहीं करना, हमें साइंटिफिकली चूज़ करना है, रिक्रूट करना है, प्रॉपर सेलेक्शन प्रॉपर करना है, सो दैट राइट कैंडिडेट शुड बी गिवन द राइट डेजिग्नेशन और राइट काइंड ऑफ वर्क. तभी वो उस वर्क को जस्टिफाई कर पाएगा, तभी वो जस्टिफाई कर पाएगा कि वॉट टाइप ऑफ सैलरी ही और शी डिजर्व, वो तब कर पाएगा. तो उसके लिए हमें प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट सेलेक्शन का प्रोसेस करना पड़ेगा. और अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर डिजिग्नेशन के एम्प्लॉयज़ को, तो वी हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू दोज एम्प्लॉयज़, न्यू जॉइनीज और न्यू एम्प्लॉयज़, सो दैट दे कैन बी मोर डेवलप्ड, दे कैन टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड बी मोर अकाउंटेबल टूवर्ड्स देयर जॉब. अगर प्रॉपर ट्रेनिंग उनको नहीं देंगे, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द वर्क, वो सीरियस नहीं हो पाएंगे उस डेजिग्नेशन के लिए. तो दीज आर द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर विच आर साइंटिफिकली प्रूवन. तो दैट्स वाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आई विल बी वेटिंग फॉर योर व्यूज़ इन माई कमेंट सेक्शन. आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स मुझे भेजिए, और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक या कोई चैप्टर पे मैं एक्सप्लेनेशन दूँ तो मैं वो भी करूँगा. तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए कि आप किस टॉपिक में ये डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो मैं वो आपको उसको वीडियो बना के भेजूंगा. मोस्ट वेलकम योर क्वेरीज, आई विल बी वेलकमिंग योर क्वेरीज एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल. टिल देन गुड बाय.